साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होनी चाहिए ना होगी. वो अलायंस किसी खास मकसद के लिए थी. वो अलायंस 35A को बचाने के लिए, 370 को बचाने के लिए करना था, क्योंकि वहाँ पर अगर हम अलायंस ना करते उनके साथ तो ये अगलब था कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत आ जाएगी और बीजेपी वाले हमारे ऊपर सवार हो जाएंगे. उसको रोकने के लिए हमने कांग्रेस के साथ हाथ बढ़ाया, पीडीपी के साथ हाथ बढ़ाया. और लगता है, जहाँ तक मेरा अपना सोच है, मैं जाती तौर ये कहूँगा कि नेशनल कांग्रेस को अपने बलबूते पर जो जितने भी सीटें इनको मिल जाएंगी, खुदा करे कि ये अच्छी खासी अक्सरियत हो जाए, लेकिन ये कांग्रेस वगैरह के साथ कोई ऐसा अलायंस नहीं होना चाहिए. नहीं, उस वक्त ये नहीं था. उस वक्त हमने 35A और 370 के लिए हमने इलेक्शन बैकआउट किया था. और 35A और 370 के बारे में जो हमने अभी जो हमने इनके साथ अलायंस किया था हुकूमत फॉर्मेशन के लिए, उसका मतलब यही था कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत ना आ जाए. अगर यहाँ पर बीजेपी की आने के लिए रोकना था तो वो उस लिहाज से था. सीट शेयरिंग, यानी गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ये अलग अलग चीज़ें हैं. ये इनके साथ इकट्ठे नहीं हो सकते. तो हमारे लिए हम इलेक्शन हर वक्त हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कारकुन है ये अपने सर हथेली पर रख हमेशा पार्टी के लिए मैदान में तैयार होता है, रहता है, चाहे इलेक्शन हो चाहे और कोई चीज़ हो. लिहाजा हम इलेक्शन के लिए इस वक्त भी तैयार हैं, इससे पहले भी तैयार थे, और हम किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए मैदान में अमल में. अगर नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को यहाँ पर नौकरियाँ हासिल करने के लिए मौका दिया जाएगा, वो माना जाएगा कि उसका ये मतलब है कि दैट इज़ द वायलेशन ऑफ 35A, दैट इज़ द वायलेशन ऑफ 370. ऐसा कोई बात अगर उनके कहने से अगर उन्होंने कोई बात ऐसी कही होगी वो अलग बात है, लेकिन हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल मैदान में आ जाएंगे अगर ऐसा कुछ कदम उठाया जाएगा कि कोई ऐसी नोटिफिकेशन निकल जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर अपना ये कर सकते हैं, नौकरियों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, नौकरियों को दी जा सकती है.